بسم الله الرحمن الرحيم باب في الصلاة قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله كانت خطوتاه احداهما تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ بیان نماز کا ہے اور نماز کے اہتمام کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں جتنی تاکید آئی ہے کسی دوسرے عمل کے سلسلے میں اتنی تاکید نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر جو غیر معمولی کمالات رکھے ہیں کہ اگر کوئی بھی نماز کی ویسی ہی پابندی کرے جیسے کہ حکم دیا گیا ہے تو اس کے اندر وہ سارے کمالات خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ اس درجے پر فائز ہوگا کہ جہاں وہی پہنچ سکتا ہے جو جیسا عمل کرے، ورنہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ نماز کو مجموعہ بنایا گیا ہے ہر چیز کا، ہر گویا کہ ہر طرح کے کمالات کو نماز کے اندر سمو دیا گیا ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ معراج کا تحفہ ہے نماز کی شکل میں جو صاحب نماز کو معراج عطا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے محبوب اور لاڈلے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور نماز کا تحفہ اپنے اللہ نے عطا فرمایا، تو آپ تو کیونکہ سارے درجات پر فائز ہیں اس لیے آپ کو درجات طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
बल्कि सारे दर्जात को अल्लाह ने आपके तय करवा दिए, आपको वो मकाम में बुलंद अता फरमाया, लेकिन आपकी उम्मत को अल्लाह ताला ने ये आसानी अता फरमाई है कि अगर तुम भी उन दर्जात पर फायज होना चाहते हो तो तुम कुछ करना होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम उस दर्जे पर फायज होकर वो अमाल करते थे, हम उन अमाल के ज़रिए से उस दर्जे तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं या पहुंच भी सकते हैं। ये फ़र्क है नबी में और उम्मत में। आपको तोहफा दिया गया और आपको बख्शा बख्शाया बनाया गया, क्योंकि आप उन दर्जात पर पहले ही से फायद हैं तो आपको क्या ज़रूरत किसी अमल की। लेकिन आपने बतौर तशक्कुर और इम्तिनान अमल किए, जिसको आपने फरमाया फला कुन अब्दन शकूरा। लेकिन उम्मत को ये कहा गया कि तुम अगर चाहते हो कि तुम ऊपर पहुँचो तो तुम्हारा ज़रिया नमाज है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अल्लाह की रजामंदी है। अल्लाह की रजामंदी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, जिसको कुरान मजीद में और रिज़वान मिनल्लाह अकबर कहा गया। तो ज़ाहिर है कि जो चीज़ अकबर है वो अकबर ही से मिल सकती है, जो जितनी बड़ी चीज़ है वो उतने बड़े अमल से मिलेगी, इसलिए वला ज़िक्रुल्लाह अकबर कहा गया। रिज़वान जो अकबर है वो मिलेगी अकबर से, और वो है अल्लाह का ज़िक्र। और नमाज जो है ये ज़िक्र इलाही के लिए है, तो गोया के अकबर के हुसूल का सबसे बड़ा ज़रिया गोया के ज़िक्र अकबर है, उसके लिए जो सबसे बड़ा अमल है यानी अमल अकबर वो है नमाज। गोया के अमल अकबर से ज़िक्र अकबर मिलेगा, अकबर मिलेगा, और अकबर से रज़ाए इलाही मिलेगी जो अकबर है। तो ये तरतीब है कि अगर हमारी नमाज सही है तो हम उसके ज़रिए से ज़िक्र में वाले बन जाएंगे, और ज़िक्र वाले जब हो जाएंगे तो अल्लाह की रज़ा वाले हो जाएंगे, और इससे बढ़कर कोई कामयाबी नहीं। इसलिए सहाबा का जो मकाम बुलंद हुआ रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, परवाना उनको मिल गया रजामंदी का अल्लाह की तरफ से, और जिसको ये मिल जाए तो उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। इस एतबार से नमाज जो है वो गैर मामूली पन अपने अंदर लिए हुए, इसी वजह से नमाज को एक तरफ तो मेराज का ज़रिया बनाया गया, मेराजुल मोमिनीन है, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने नमाज मजमुआ बनाया है चार चीज़ों का, जिस्म का, अक्ल का, कल्ब का, रूह का, ये चार चीज़ों का मजमुआ नमाज है। गोया के अरकान अरबा जो हैं इस्लाम के खमसा, उनसे एक नमाज है, तो उन अरकान अरबा को ये पांचवा रुकन अपने अंदर समेटे हुए, यानी हज, ज़कात, रोज़ा, ज़िक्र, इन सब में जो कुछ है नमाज ने सबको अपने अंदर समो लिया है। इसीलिए अगर आप गौर करें तो मालूम ये होगा कि रोज़े में आदमी खाना पीना छोड़ देता है, नमाज में भी छोड़ देता है, जितनी देर नमाज पढ़ेगा खा पी नहीं सकते नमाज में, और गलत काम नहीं कर सकते कोई नमाज में। इसी तरह आदमी हज में उठता है, बैठता है, दौड़ता है, चक्कर काटता है, नमाज में भी एक हैत पर नहीं रखा गया, उठो बैठो, ये अमल को करवाया गया। वो है कि सेहत का भी एक ज़रिया है कि आदमी बैठ नहीं सकता एक जगह पर, कभी खड़े होने का हुक्म है, यहाँ तक कि जी भी लग रहा हो तब भी नहीं, यानी कोई ये कहे कि आज हमको तिलावत में इतना मज़ा आ रहा है कि आज रुकू और सजदा नहीं करेंगे, तिलावत ही करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, रुकू करना पड़ेगा, सजदे में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद रुकू, उसके बाद उठना पड़ेगा, फिर सजदे में जाना पड़ेगा। कोई कहे कि रुकू
मैं इतना लुत्फ आ रहा है कि अब जी चाहता है बस फौरन सजदे में चले जाए, खड़े होने की भी अब ताब नहीं है, बस अब तो अल्लाह के सामने झुकते ही चले जाए। तो ऐसा नहीं होगा, खड़ा होना पड़ेगा। और उसके साथ साथ खुदुद्दीन रखुम इन दुल मस्जिदिन, यानी नमाज पढ़ने आओ तो कुछ खर्च करके आओ, अच्छा लिबास पहन कर आओ, ऐसे ही नहीं बस मामूली लिबास पहन के चले आए। इसलिए अहतमाम कम नमाज जो है अहतमाम की मुतकाजी है आदमी, और जिक्र का तो मामला मालूम है कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बराबर कहा जाता है। नमाज शुरू करते हैं तो अल्लाह अकबर, झुकते हैं तो अल्लाह अकबर, और सजदा करते हैं, उठते हैं, फिर जाते हैं, फिर उठते हैं, बराबर अल्लाह अकबर। तो जिक्र से तो लबरेज है नमाज, और उसके अंदर पढ़ने का जो कुछ है वो सब जिक्र है, उसमें तिलावत भी है, हर चीज़ है। गोया कि नमाज मजमुआ है तमाम चीज़ों का। तब जाहिर है कि नमाज ने अपने अंदर सब चीज़ों को समेट लिया है, इसलिए सबसे बड़ी है अमली एतबार से। और इसके अंदर वो तमाम फवायद अल्लाह ने रख दिए हैं जो जुमला आमाल से हासिल हो सकते हैं, सब इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी वजह से अगर नमाज हमारी अच्छी होगी तो हमारे आमाल खुद अच्छे होते चले जाएंगे, मुनकरात छोड़ते जाएंगे और आमाल सालिहा की तरफ बढ़ते चले जाएंगे खुद ब खुद। इसलिए नमाज के अंदर अल्लाह ताला ने ये बिल्फेल ये तासीर रखी है कि अल्लाह ताला अगर कोई बंदा नमाज सही पढ़ता है तो उसकी उसका अकीदा नंबर एक अकीदा दुरुस्त हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ने जितने हैते हो सकती हैं किसी गैर के आगे झुकने की सब नमाज में रख दी है, तब गैर के सामने झुकने का मसला ही ख़त्म हो गया। यानी हाथ बांध के खड़ा होना किसी के सामने, किसी के सामने रुकू करना, किसी के आगे सजदा करना और अदब से बस बैठे रहना, पहलू तक ना बदलना, ये नमाज के साथ ख़ास है, किसी और के साथ ख़ास हो ही नहीं सकता। तो अकीदा पहले ही दुरुस्त कर दिया गया, नमाज ने अपनी हैत से अकीदा दुरुस्त कर दिया। और उसके बाद और जो दीगर चीज़ें नमाज से वाबस्ता हो सकती हैं वो सारी की सारी उसके अंदर मौजूद हैं। जब आदमी करेगा तो उसकी और चीज़ें खुद बहुत ठीक होती चली जाएंगी। तो अब जाहिर है कि नमाज के इसीलिए बहुत से दर्जात हैं नमाज के, और इसमें बहुत से लोगों को धोखा हुआ है और ये समझ गए कि अगर रूह नमाज पढ़ने वाली है तो जिस्म की नमाज की ज़रूरत नहीं, और अक़ल नमाज पढ़ रही है तो कल्ब की नमाज की ज़रूरत नहीं, या कल्ब नमाज वाला है तो अक़ल की नमाज की ज़रूरत नहीं और जिस्म की नमाज की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है, बल्कि चारों के मजमूए का नाम ही नमाज है। यह नमाज चार चीज़ों पर गोया कि सीधी सीधी फर्ज हो जाती है, एक तो जिस्म पर, एक दिल पर, और एक दिमाग पर, और एक रूह। ये चार नमाजें हैं, अगर इन चारों को एक साथ पढ़ेगा तो उसकी तरक्की का आलम क्या पूछा जाए, क्या बताया जाए। क्योंकि हम लोग एक ही नमाज बैठ के रहते हैं इसलिए दूसरी नमाज तक पहुंचना भी नहीं मिलता नसीब होता, यानी हम लोग सिर्फ जिस्मानी नमाज पढ़ते हैं वो भी सही नहीं पढ़ते। इसलिए कि जिस्मानी नमाज में भी इस बात का अहतमाम ज़रूरी है कि सर से लेकर पैर तक हमारा खड़ा होना सही हो, रुकू सही हो, सजदा सही हो, निगाहों तो निगाहें कहाँ पड़ रही वो सही हो, नाक कहाँ रखी जाए वो सही हो, और उंगलियाँ कैसे रखी जाए, हाथ कैसे रखे जाए, बैठा कैसे जाए, पीठ कैसे होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी तो जिस्मानी नमाज सही हो। तो अभी जिस्मानी ही नमाज हमारी पूरी सही नहीं है, निगाहें कहीं जा रही हैं और हाथ कहीं गलत रखे हुए हैं, घुटना कैसे रुकू करें तो हाथ कैसे रखे, सजदा करें तो हाथ कैसे रखे, और नाक और पेशानी कैसे रखी जाए, यानी सुन्नत के मुताबिक हम अपने आज़ा को कैसे हरकत दें, यानी आज़ाए जिस्मानी को नबी के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक किस तरह करें। जब उसके मुताबिक हो जाएगा तो गोया कि हमको नमाज आएगी जिस्मानी। और इसको हमारे हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने मिसालों से वादे किया है और कहा है कि अगर जिस्मानी ही नमाज आप पढ़ रहे हैं तो लिल्ला उसको भी बाकी रहने दीजिए। कोई कहे कि हम लोग जब नमाज दिल वाली नहीं पढ़ पाते, दिमाग वाली नहीं पढ़ पाते, रूह वाली नहीं पढ़ पाते तो नमाज का फ़ायदा क्या है, तो उसको हज़रत मौलाना ने बड़े अच्छे अंदाज से बयान फरमाया है
आरिफ मनीर मनेर के शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबा से नकल किया है मौलाना ने कि एक बादशाह था जिसने हर तरह के पेड़ पौधे अपने चमन में लगाए और जब वो रुख्सत होने लगा तो अपने बेटे को बुलाया और उसने कहा देखो ये सारे पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं ये सब अपनी जगह पर और जब तुम्हारे ज़ेर निगरानी आए तो ये बाकी रहें या ना बाकी रहें ये तुम जानो, लेकिन एक घास है ये चाहे कितनी ही खुश्क हो जाए लेकिन इसको बाकी रहना, इसको उखाड़ करना फेंकना। एक गमला उसने बताया कि इस गमले में जो घास लगी हुई है इसको ना फेंकना, चाहे इसकी पत्तियाँ मुरझा जाएँ, चाहे इस पर फूल आना बंद हो जाए, चाहे इसमें अगर ये फल वल भी आते हैं तो वो कुछ ना लगे, लेकिन इसकी लकड़ी रहे तो भी इसको निकाल कर मत फेंकना। लेकिन लड़का जदीद दौर का था, जदीद तालीम पढ़ा हुआ, तो उसने कहा कि अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है और उमदा उमदा पौधे आ गए हैं जिससे पूरा चमन महकता भी है, चहकता भी है, लहकता भी है। तो उसने कहा कि एक घास बिलावजे एक बीच में लकड़ी सी है सूख गई है तो इसको भी निकाल के फेंक दे। तो उसने आखिर में बहुत गौर किया तो उसको भी निकाल के बाहर फेंक दिया। बस जैसे ही फेंका एक काला सांप निकला, उसने उसको काट दिया। तो उसके अंदर तासीर ये थी कि अगर ये सूखी भी घास रहेगी तो सांप नहीं आएगा। तो उसको शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी ने फरमाया कि नमाज की मिसाल ऐसे ही है, चाहे किसी तरह पढ़ो पढ़ो ज़रूर वरना काला सांप काट ले और तुम्हारी मौत वाक़ हो जाएगी। और ये समझ कर छोड़ दो कि रूह पढ़ रही है फला पढ़ रही, इससे नहीं होगा काम। जिस्मानी तौर पर यानी सूखी लकड़ी हो तब भी इसको पढ़ना है, नमाज हर हाल में पढ़ना है। हाँ, अब जाहिर है कि अगर उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, रूहानी नमाज हासिल करना चाहते हैं, आरिफाना नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी मिसाल हज़रत मौलाना ने दी है कि जिस तरह मछली होती है पानी के अंदर कि बग़ैर पानी के उसको चैन नहीं आता, अगर थोड़ी देर के लिए उसको पानी से बाहर कर दिया जाए तो तड़पने लगेगी, फड़कने लगेगी, यहाँ तक फिर पानी में डाल दी जाए और उसमें जाकर मस्त हो जाएगी। इसी को कहा कल्बुहु मुअल्लक़ुन बिलमसाजिद, यानी उसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। और अगर अकली नमाज पढ़ना चाहता है उसके साथ साथ, जिसको कुरान मजीद में फरमाया गया है कि ये चारों नमाजों का जिक्र है कुरान शरीफ में, यानी रुकू और सजदे के बारे में तो हदीसें भरी पड़ी हैं, ऐसे सजदा करना है, ऐसे रुकू करना है, ऐसे खड़े होना है, लेकिन उसके साथ साथ अकली नमाज के बारे में भी कुरान मजीद में फरमाया गया है ला तक़रबु सलात मान तुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलू, देखो नमाज के करीब मत जाओ जबकि तुम नशे की हालत में हो। आयत नाज़िल हुई तो पहले जब नशा किया करते थे, यहाँ तक कि तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो, यानी जो आप पढ़ रहे हैं वो समझ कर पढ़ना चाहिए, इस तरह थोड़ी, क्योंकि मुसलमान जो है बेअकला नहीं होता, उसकी अकल मारी नहीं जाती, ये अकल को बंद करके नहीं रखता है वो, चाहे कैसे ही अमल में हो। तो जब नमाज भी हम पढ़ रहे हैं तो नमाज में भी हमको सोच समझ कर पढ़ना चाहिए क्या हम कह रहे हैं। दरबार में हाजिर हैं, खुदा के सामने खड़े हुए हैं, उससे क्या दरख्वास्त कर रहे हैं। जब हमको ये खुद नहीं मालूम कि दरख्वास्त क्या कर रहे हैं तो अजीब सी बात है कि हम दरख्वास्त भी पेश कर रहे हैं और अगर वहाँ से पूछ लिया जाए क्या चाहते हो तो मालूम हमको खुद पता नहीं, बगल वाले से पूछना शुरू करें भाई क्या पढ़ रहे हैं क्या मालूम कर रहे हैं। तो मालूम होना चाहिए नमाज कि हमने जब अल्लाह अकबर कहा तो उसके माने क्या हैं, आऊज़ु बिल्लाह कहा तो उसके माने क्या हैं, बिस्मिल्लाह कहा तो उसके माने क्या हैं, सूरह फातिहा में क्या मांग रहे हैं, दरख्वास्त है खुदाबंद कुद्दूस से क्या क्या चीज़ें हम मांग रहे हैं और उसके यहाँ हाथ फैलाकर हम क्या तलब कर रहे हैं, ये कम से कम मालूम होना चाहिए। फिर जो सूरह पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या कहा गया है ये मालूम होना चाहिए, और रुकू में और सजदे में क्या कह रहे हैं, ये अक्ल वाली नमाज है। तो अक्ल वाली नमाज सोच समझ कर के सजदा ऐसे, उसमें पढ़ना ये है, उसमें पढ़ना ये है। तो ऐसा है कि एक कश्ती पर लोग सवार हैं और कश्ती में बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं, बहुत सी कीलें लगी हैं, बहुत से पत्थर लगे हुए हैं। तो बाद लोगों को सूझी कि तय करें
कि ये उसमें कौन सी काम की है कौन सी काम की नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि अगर इसको निकाल दिया जाए तो क्या हर्ज है। तब जाहिर है कि अक्ल के मारे बेअक्ली का काम करेंगे, इसका नतीजा ये होगा कश्ती डूब जाएगी। इसलिए नमाज की जो हैत दी गई है बस आप उसी हैत पर रहिए और उसको समझ बूझ कर आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, तो उससे आप तरक्की करते चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर गैर मामूली कमाल रखा है और इसीलिए हदीस में आता है कि अंताबुदल्लाह का अन्न का तरा फैनम तकुम तरा हो फैन हो यरा, और यानी तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, वरना ये एक हैत है कि अल्लाह तुमको देख रहा है। और अगर ये इस्तेहज़ार हो जाए कि अल्लाह हमको देख रहा है तो आदमी ज़्यादा चौकन्ना होता है। जैसे कोई नाबीना आ जाए और बहुत बड़ा बड़े बादशाह के सामने या किसी बड़े अफसर के सामने उसको लाया जाए, कान में कह दे कि बादशाह सामने बैठा है, नाबीना से कह दी तो नाबीना की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, वो देख नहीं रहा। इसलिए बस समझ रहा है कि है, और वो जब वो आएगा तो हालत उसकी ख़राब हो जाएगी, बल्कि उसको जिस्म पर भी ऐसी कैफियत होगी कि लोग कहेंगे अरे ठीक से खड़े रहो, वो चुपके से कहेंगे कहाँ हैं बड़े साहब किधर बैठे हैं। तो उससे कहा जाएगा नहीं सामने ही है, तो कितना वो अदब करेगा। तो ऐसे ही ये जो कहा गया है कि अल्लाह तुमको देख रहा है, ये ज़्यादा बुलंद है। मालूम है इसीलिए कहा ये पहला दर्जा है ये दूसरा दर्जा है, देखने में तो ये पहला है वो दूसरा, लेकिन उल्टा है कि अल्लाह देख रहा है ये कैफियत अगर हम पर सारी हो जाए तो जाहिर है कि हमारी कैफियत बिल्कुल अलग है। इसलिए कि हमारी आँखें अल्लाह को नहीं देख सकती, मगर अपनी बसीरत से अपने अल्लाह ने जो हमको समझ दी उससे ये समझ सकते हैं कि अल्लाह हमको देख रहा है। अगर ये कैफियत पैदा हो जाए तो फिर जाहिर है कि हमारी नमाज नमाज बन जाएगी। तो इसलिए ये सोच समझ कर लो। और चौथी जो है वो दिल की नमाज है, यानी खुशू हो खुजू हो कैफियत हो नमाज पढ़ने की कि अल्लाह के दरबार में हाजिर है, और जब वो कलिमात अपनी ज़बान से अदा करें जो नमाज में पढ़ाए जाते हैं तो उसी कैफियत के साथ पढ़े, और ये हुजूरी की कैफियत जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतनी उसकी नमाज कल्बी होती जाएगी। तो इस तरह ये चार चीज़ें नमाज से वाबस्ता हैं, और ये चारों चीज़ें जब एक साथ चलेंगी तो जाहिर है कि फिर ऐसा जहाज़ उसका होगा तो कहीं रुकेगा नहीं, यानी उसके पर भी ठीक हैं, उसकी मशीनरी भी ठीक है, उसका पेट्रोल भी सही है और उसका इंजन भी सही है, चलाने वाला भी सही है, तो परवास का आलम क्या होगा। इसीलिए आदमी जब नमाज इन तमाम चीज़ों के साथ पढ़ता है तो उसकी नमाज उसको न जाने कहाँ तक पहुँचा देती है, इसका अंदाज़ा करना मुश्किल है। यही मेराज वाली बात है कि आसमानों की सैर करता हुआ चला जाता है, दरबार खुदाबंदी में हाजिर हो जाता है, उसको होया कि मेराज हासिल हो जाती है। इसलिए नमाज जो है बड़ी अहमियत के हामिल है, और इसीलिए आपने ही फरमा दिया कि ईमान और कुफ्र के दरमियान कोई चीज़ है तो नमाज है, कि अगर नमाज नहीं पढ़ रहा है आदमी तो फिर वो मुसलमान नहीं है। यहाँ तक कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़त कफ़र, तो जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो काफिर हो गया, जानबूझ के अगर नमाज छोड़ दे तो काफिर हो गया। इसलिए नमाज तो अपनी जगह पर गैर मामूली अहमियत रखती है, और फिर नमाज का जो निज़ाम बनाया है अल्लाह ताला ने वो निज़ाम भी कोई मामूली नहीं है, क्योंकि अल्लाह जितना बड़ा है जितनी अजमत वाला है कमाल वाला है उसने नमाज को भी अपनी अजमत के साए में दिया है, तो उसके अंदर भी अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें रखी होंगी। इसी वजह से बस ये कह दिया कि नमाज पढ़ते रहो, अकीम सला तरफ़ नहार व ज़ुल्फ़ मिन अल्लैल, यानी दोनों दिन के दोनों किनारों में नमाज कायम करो और रात में मुख्तलिफ अवकात में नमाज पढ़ते रहो। सारी नमाजें इसके अंदर आ गई, सुबह और शाम की जितनी नमाजें हैं वो सब आ गई इसके अंदर, और इसके अलावा नमाजों की पाबंदी का भी हुक्म दिया, हाफिज़ वाला सलावात, यानी नमाजों की तुम मुहाफ़ज़त करो, यानी मुहाफ़ज़त का मतलब यह है कि एहतमाम करो और बाकायदा उसकी फ़िक्र करो कि कौन से वक्त कौन सी नमाज़ पढ़नी है। ये जो
सारा निज़ाम चल रहा है कि फला वक्त से फला वक्त ज़ोहर है, फला वक्त से फला वक्त असर है, फला वक्त से फला वक्त तक मगरिब का वक्त है। ये इसी अहतमाम का नतीजा है कि इतने बड़े बड़े उलूम वजूद में आ गए कि सूरज ग़ुरूब कब हो रहा है, तुलू कब हो रहा है और इस्तिवा में कब पहुँच रहा है और कब साया असली हो रहा है और कब साया असली नहीं है। ये तमाम बातें ये सारे उलूम नमाज के तुफैल में वजूद में आ गए ताकि नमाज का अहतमाम उम्मत करती रहे और नमाज पढ़ती रहे। तो फरमाया और कुमु लिल्लाह कानितीन, यानी अल्लाह के लिए खड़े हो तो खुशू के साथ और पूरी बारफ्तगी के साथ और झुकाव के साथ। तो और उसके बाद फिर फरमाया कि नमाज जो है ये फहशा से और मुनकर से रोक देती है। वह कि पहला दर्जा नमाज का ये है कि बुराइयों से रोकना शुरू कर देती है। नमाज हमने पढ़नी शुरू की, अब नमाज जो है ये पाबंदी लगाना शुरू कर देगी। पहले ही अल्लाह की, जैसे कि हमने कहा ना कि अल्लाह की आज़मत का बोल पहले बोले आप, अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह ही बड़ा है। तो अब ये कहने के बाद फौरन ये हो गया कि उसके अलावा जितने हैं सब छोटे हैं, कोई बड़ा है ही नहीं, बड़ा सिर्फ अल्लाह है। अब मखलूकात में कोई बड़ा है कोई छोटा है, इसलिए तर्जुमा इसका सही नहीं है। बहुत तर्जुमा इसका करते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तर्जुमा ये हो जाता है मुमी तौर पर, अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी और भी बड़े हैं अल्लाह उनसे बड़ा है, ऐसा नहीं है, अल्लाह ही बड़ा है। अल्लाह अकबर का तर्जुमा जो है अल्लाह ही बड़ा है, बाकी कोई बड़ा है ही नहीं। अब मखलूकात में कोई बड़ा है कोई छोटा है, यानी मखलूकात में अंबिया हैं, मलाइका हैं और औलिया हैं और उसके अलावा तमाम मखलूकात हैं। अब इनमें अंबिया इकराम का दर्जा बड़ा है और उनमें नबी पाक अलैहिस्सलाम सबसे बड़े हैं। अब वहाँ वो चलेगा, यानी मखलूकात में आप बड़े हैं, बाकी अल्लाह के मुकाबले में कोई है ही नहीं, कोई बड़ा ही नहीं। इसलिए बड़ा छोटा उस वक्त होता है जब बराबर के बहुत से हों, जैसे यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए हैं तो इनमें कहा जाएगा ये बड़े हैं ये छोटे हैं, उम्र के लिहाज से हो, इल्म के लिहाज से हो, फजल के लिहाज से हो, अमल के लिहाज से हो, ताकत के लिहाज से हो, जिस लिहाज से। लेकिन आपस में जब बहुत से बैठे हों तब कहा जाएगा कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं। तो ज़ाहिर है खालिक एक ही है, अल्लाह एक है, उसके मुकाबिल जब कोई है ही नहीं तो बड़ा छोटा है, बस वही बड़ा है। अब उसके नीचे मखलूकात में आ जाइए तो मखलूकात में फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम सबसे बड़े, खैरुल बशर, यानी तमाम मखलूकात में सारे इंसानों में आपका दर्जा सबसे बुलंद है, सबसे अफजल हैं आप। अब यहाँ पर चल रही बात, फिर अम्बिया कराम हैं, फरिश्ते हैं, उसके औलिया हैं, औलिया के भी अम्बिया के भी दर्जात हैं, फरिश्तों के भी दर्जात हैं, औलिया के भी दर्जात हैं, वो चलता रहेगा। तो अब यहाँ जब ये कह दिया अल्लाह अकबर तो सारा मामला ख़त्म, यानी सबसे बड़ा मुनकर ख़त्म हो गया, वो है शिर्क, यानी अल्लाह बड़ा है, अब उसके अलावा कोई बड़ा नहीं, तो शिर्क का क्या शायबा पे आ सकता है। फिर उसके बाद एक एक चीज़ नमाज के अंदर अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें समो दी। झूठ की आदत है तो नमाज झूठ पर पाबंदी लगा दी। अगर और कोई बुराई पाई जाती है तो नमाज उसको भी रोक देगी। किस तरह रोक देगी? ये नमाज इतनी अच्छी हम पढ़ेंगे, जब हमने कहा ना चार चीज़ें नमाज में हैं, तो असल में न रोकना इस वजह से होता है कि नमाज हमारी नाकिस है। जैसे सर में दर्द हो रहा है और आप गए डॉक्टर के यहाँ और दवा लेकर आए, उसने दवा दी आपने खाया, दर्द गया नहीं, तो इसका मतलब ये है कि दवा जो थी वो डुप्लीकेट थी। आजकल जिस तरह डुप्लीकेट दवाएँ चल रही हैं, खरिया की दवा बना दी और आपने खाया, एक गोली खाई, दूसरी गोली खाई, तीसरी खाई, दर्द का लग जाता नहीं, सही दुकान से जाकर लाए, एक ही गोली में दर्द गायब हो गया। ऐसे ही नमाज भी है, ये बुराई से रोकती है। अगर नहीं रोक रही है तो इसके मतलब नमाज डुप्लीकेट है, अभी सही नमाज हमारी हुई नहीं। अगर हमारी नमाज सही हो जाए, यानी बड़ा फ़ायदा तो हो गया, यह हिसाब नहीं काटेगा। नमाज की अगर हम पाबंदी कर रहे हैं तो इतना बड़ा कोई पार्ट नहीं होगा कि हमारी मौत वाक़ हो जाए, उससे अल्लाह बचा लेगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि तमाम मज़रतों से, तमाम परेशानियों से हम बच जाएं और हर बेहतरी हमारे अंदर पैदा हो जाए,
तो फिर नमाज की पाबंदी थी चारों एतबार से करनी पड़ेगी, यानी हुजूर हुजूरी भी हो और खुशु भी हो और समझ कर भी हो और सुन्नत के मुताबिक जिस्म की हरकतें भी हों, ये तमाम चीज़ें अगर होंगी तो फिर ज़ाहिर है कि नमाज एक एक चीज़ को निकालती चली जाएगी। हम कुछ दिनों बाद महसूस करेंगे कि हमारे अंदर फला बुरी आदत थी अब नहीं रही, हमारे अंदर पूरी फला बुरी चीज़ थी अब नहीं रही, इस तरह वो निकलती चली जाएगी। फिर उसके बाद जो इज्तिमाई बीमारियाँ हैं वो जमात के साथ नमाज पढ़ने से निकल जाएंगी, वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ने से निकल जाएंगे। इसीलिए तनहा नमाज़ पढ़ने के मुकाबले में जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का सवाब 27 गुना ज़्यादा है, 27 गुना। और ये गुना वगैरह जो होता है इसमें हमारे अक्सर शारहीन ये बात कह देते हैं कि यहाँ तहदीद मुराद नहीं है बल्कि तकसीर मुराद है, यानी बहुत फ़ायदा बहुत ज़्यादा सवाब बढ़ जाता है, ये बताना मकसूद है। लेकिन 27 में भी कुछ बात होगी तो ना 27 क्यों कहते, कुछ और 37 कह देते, 47 कह देते, 57 कह देते, ऐसा नहीं कहा 27 कहा, बाद रवायत में 25 कहा। तो उसी समझने में हमारे उलमा वो हैं जो कहते हैं 27 जो है वो जहरी नमाजों के लिए और 25 जो है वो सिरी नमाजों के लिए है। लेकिन बहरहाल 27 गुना सीधा सीधा है। अब 27 गुना जो सवाब मिलता है वो अल्लाह ही जाने, हो सकता है जो हमारे अंदर कमज़ोरियाँ खराबियाँ बीमारियाँ पाई जाती हैं वो सारी की सारी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। इससे ये सवाब मिलता है जमात के साथ जाने में, जो हमारे अंदर इज्तिमाई खराबियाँ हैं वो इंशाल्लाह उससे जाती रहेंगी और हमारे अंदर वो खूबियाँ पैदा हो जाएंगी जो इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने वाले कामिल इंसान पाई जाती हैं। और तनहा पसंदी जो है ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। हाँ थोड़े बहुत वक्त के लिए आदमी तनहा रहे खलवत अख्तियार करे वो तो एक लाजमी चीज़ है अपनी रूहानी तरक्की के लिए, और वो तनहाई उसको नमाज में भी हासिल होती है। अगर वाकई नमाज पढ़े तो खलवत में पहुंच जाता है, अल्लाह के दरबार में होता है, तो नमाज एक ऐसी चीज़ अल्लाह ने दे दी है कि आदमी उसमें पहुंच जाता है। लेकिन यूँ सारी दुनिया को छोड़कर बीवी बच्चों को छोड़कर अपने भाई बंदों भाई बहनों को छोड़कर और लोगों से मिलना जुलना छोड़कर तन्हाई में चले जाए इसकी इजाज़त नहीं है इस्लाम में, बल्कि उनमें रहकर हमको इस्लाम पर अमल पैरा होना है। तो इसलिए हर जगह इज्तिमाई शक्लें रखी गई हैं और उसका सवाब बढ़ा दिया गया है, इज्तिमाई शक्लें रखी गई हैं उसका सवाब इसीलिए बढ़ा दिया गया है कि इज्तिमाई शक्लों में अगर हम रहकर सही तौर पर काम करेंगे तो उसके फवायद न जाने कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो ऐसी नमाज के मामले में भी रखा गया है कि अगर हम जमात के साथ नमाज़ पढ़ेंगे तो 27 गुना नमाज हमारी बढ़ जाएगी। और हदीस में भी आया है कि अगर 3 आदमी हो और चाहे कितना ही कोरते मकाम हो देहात का और नमाज का अहतमाम नहीं करते वो लोग जमात का अहतमाम नहीं करते तो फिर उनके बारे में फरमाया गया है कि उनका ये अमल इस्तहवद अलैहिम शैतान, वो है कि उन पर शैतान काबू पा लेगा। और जमात का जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा है वो ये है कि जिस तरह रेवड़ में सारी बकरियां जाती हैं और उनको भेड़िया नहीं खाता सिवाय उस बकरी के जो रेवड़ से बाहर आ जाए, तो ऐसी अगर जमात को वो एहतमाम नहीं करेंगे तो उनको भी शैतान अपना खिलौना बना लेगा और उनसे खिलवाड़ करेगा। तो अगर वो देहात जहाँ 2-4 आदमी रहते हैं वो लोग जमात का एहतमाम नहीं करते तो उनको बहुत डरना चाहिए कि उनका पूरा वहाँ रहना और क़याम ये शैतान के हिसाब में चला जाए और उनको उनसे शैतान खिलवाड़ करेगा। और जाहिर है कि जब नमाज इतनी अहम चीज़ है तो आपने सबसे पहला फ़ायदा तो उसका यही बता दिया और ऐसा समझा दिया कि आम आदमी भी उसको अच्छी तरह समझ सकता है कि आपने फरमाया भाई देखो अगर किसी घर पर एक घर के सामने एक नहर है और वो जाता है और हर रोज़ 5 दफ़ा उसमें गुसल करता है
यानी उधर के बिल्कुल सामने नहर है, नहर शफाफ और साफ पानी की, उसमें 5 दफ़ा गुसल करता है तो जाहिर है कि उसके बदन पर ज़रा भी मैल रह जाएगा। तो सामने का नहीं, बिल्कुल नहीं रह जाएगा। आपने फरमाया इसी तरह नमाज का मामला है, इसका मामला भी ये है कि जो 5 दफ़ा नमाज पढ़ेगा तो उसके अंदर भी मैल नहीं रह जाएगा, यानी उसके गुनाह सारे ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देगा। तो नमाज जो है ये अंदरूनी बीमारियों को, अंदरूनी जो गंदगियां हैं उनको बिल्कुल साफ़ कर देती है। तहारत का बयान गुजर चुका है कि आदमी को ताहिर होना चाहिए, और तहारत की कस्में भी गुजर चुकी हैं, ऐसे यहाँ पर भी नमाज जो है जो अंदरूनी ख़राबियाँ हैं, अंदरूनी बीमारियाँ हैं, अंदर की गंदगियाँ हैं, उसको साफ़ कर देती है। उस तरह साफ करती है जिस तरह कोई 5 दफ़ा नहाए और वो भी नहर में नहाए, यानी कम एक बाल्टी से नहीं बल्कि नहर के अंदर जाए और अंदर कूद जाए, तो उसके पाक साफ़ होने में क्या कलाम है। ऐसे ही जो नमाज का पाबंद है अल्लाह ताला उसको ही पाक साफ़ कर देता है और उसके सारे गुनाह गोया के धुल जाते हैं। लेकिन बात वही है कि नमाज नमाज हो, यानी ऐसा ना हो कि दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, हम कहीं हैं। इसलिए आजकल नमाज शैतान इसीलिए सब ज़्यादा जो कोशिश करता है कि हमारी चीज़ को ख़राब करते हो, नमाज ही है, कहता है नमाज अच्छी ना होने पाए, इसीलिए नमाज नियत बांधी और दिमाग इधर उधर जाना शुरू हुआ। नमाज में जितना भागता है दिमाग शायद किसी और वक्त भागता हो। उसमें एक वजह यह भी है कि हम लोगों को खलवत में वक्त गुजारने की आदत नहीं है, मुराकबे को, तो इस वजह से दिमाग जब किसी काम में लगा रहता है तो उसी काम में लगा रहता है, लेकिन जब नमाज में लगता है तो ध्यान खुदा की तरफ नहीं हो पाता, और जिस तरह सुन्नत का अहतमाम होना चाहिए वो नहीं हो पाता, तो दिमाग भागता रहता है। और उसके बड़े लतीफ़े भी हैं कि आजकल देखिए जब इमाम भूल जाता है तो बहुत कम लोग बता पाते हैं कि 2 रकत में इन्होंने सलाम फेर दिया, 3री रकत है, मगर कुछ लोग बता देते हैं। तो एक साहब के मुतालिक लिखा है कि बाद में झगड़ा हुआ कि 3 रकतें हुई कि 4, तो एक साहब ने कहा नहीं 3 रकतें हुई। कहा कैसे आपने बताया? कहने मैं 4 दुकानें हैं और 4ों का हिसाब 1-1 रकत में करता हूँ, अभी 3 का कर पाया था इन्होंने सलाम फेर दिया, 1 बाकी दुकान, तो इसलिए इनकी जो है 3 रकात हुई। तो ये हिसाब हम लोग का चलता रहता है नमाज में, तो नमाज फिर जब नहीं है हमारी नमाज तो नमाज के फ़वाद कैसे हासिल होंगे? और नमाज के फ़वाद गैर मामूली है। एक तो अगर कोई फ़राइज़ का अहतमाम पूरी तरह सुन्नत और मुस्तहब को सामने रखते हुए करे और उन 4 चीज़ों का ख्याल रखते हुए नमाज़ पढ़े, तो तनहा फ़र्ज नमाजों की पाबंदी उसको आसमान तक पहुँचा देगी, गोया कि मेराज उसकी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आदमी जानता है कि उसकी नमाज कैसी है, तो अल्लाह ताला ने इस नमाज की परोसी के लिए और इसके कमी को पूरा करने के लिए नफले रख दी हैं कि अगर तुम इसको मुकम्मल नहीं कर पाते नफलों से इसको ठीक कर लो। तो उसके लिए शुरू में भी और बाद में भी नफले रखी गई हैं, और ख़ास तौर से ये जो 12 रकतें हैं जो मुअक्कदा कहलाती हैं इनका अहतमाम कर ले, और इसके अलावा जो और नमाजें हैं अवाबीन की है, तहज्जुद की है, इशराक की है, ये सारी नमाजें जो हैं वो अपने अपने दर्जे में बयान की गई, उनके फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, और फिर जो नमाजें हैं उन सब के अलग अलग फ़वाइद भी हैं, यानी जहर का, असर का, मगरिब का, इशा का अलग अलग फ़ायदा है, और उसके अलावा फिर नफलों के फ़वाद अलग अलग हैं कि जो भी इन तमाम चीज़ों का अहतमाम करेगा तो ज़ाहिर है इसको गैर मामूली फ़ायदा हासिल होगा और गैर मामूली उसको तरक्की हासिल होगी। इसलिए नमाज की पाबंदी हर मुसलमान के लिए ज़रूरी करार दी गई है, और नमाज ही को गोया का असल करार दिया गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि फरमाया कि जो नमाज का ज़ाया करने वाला है फ़हु लिमा सिवाह अलादिया, जो उसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं उनका और ज़्यादा ज़ाया करने वाला है। जब नमाज ही आपकी सही नहीं, नमाज गोया के मेयार है, नमाज अच्छी तो हमारा अकीदा अच्छा, नमाज अच्छी ताल्लुकात अच्छे, नमाज अच्छी मामलात अच्छे, नमाज अच्छी ज़बान अच्छी, नमाज अच्छी हुकूक की अदायगी अच्छी, अगर नमाज अच्छी नहीं तो ये कुछ भी अच्छा नहीं।
तो इसलिए हर शख्स को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि हमारी नमाज अच्छी से अच्छी हो जाए, और ये सब चीज़ें सीखने से आती हैं, बगैर सीखे कोई चीज़ नहीं आती, इसलिए नमाज भी सीखनी चाहिए। और इसी वजह से नमाज ज़ाहरी तौर पर तो हम सीख लेते हैं, जमात के साथ पढ़ने लगे, लोगों के साथ पढ़ने लगे, नमाज पढ़ना आ गई, लेकिन नमाज पढ़ना नहीं आया। वो जब तक नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं रहेंगे और उनसे बाकायदा सीखेंगे नहीं, उस वक्त तक तो वो नमाज हमारी नहीं होगी। हज़रत सैयदना शहीद रहमतुल्लाह अलैह किस तरह नमाज पढ़ी जाए बताया, और फिर उनका वाक़ियात मैंने अभी कल परसों सुनाया है कि हज़रत पाँच शहीद रहमतुल्लाह अलैह इसीलिए बैत हुए कि उनको उन्होंने कहा था कि हमको सहाबा जैसी नमाज पढ़नी आ जाए, तो हज़रत सैयद शाह ने फरमाया था जाइए वज़ू करके आइए फिर नमाज पढ़िए, तो ऐसा उनको लुत्फ आया नमाज़ पढ़ने में, तो सैयद शाह ने फरमाया सहाबा ऐसे ही नमाज पढ़ते थे। इसलिए सहाबा ने नमाज रसूल पाक अलैहिस्सलाम से सीखी थी बराह रास्त, और उनके सोहबत में रहे थे, तो अल्लाह ने हर सहाबी को नमाज का कमाल और अता फरमाया था, और फिर उसकी वजह से जो कमाल मिलना चाहिए तो वो उनको मिल गया था। तो ऐसे ही अगर हम भी अपने नमाजों का एहतमाम करेंगे तो फिर हमको वो बात नसीब होगी जो नमाज से मिला करती है, और अगर वैसी नमाज नहीं होगी तो जाहिर है कि फिर ध्यान भी हमारा कभी नहीं होगा, और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमको हासिल नहीं होगी, वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह की रज़ा उसी से वाबस्ता है। तो इस तरह ये एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। नमाज अमल में सबसे अकबर है, जिससे ज़िक्र हासिल होता है जो अकबर है, और ज़िक्र से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है जो अकबर है। इस तरह ये तीनों एक दूसरे से वाबस्ता है। वाह।